हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम इलेक्ट्रिकल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, अगर आपके पास केबल ट्रे है तो कितने साइज का केबल ट्रे में आप कितना एमएम का यूनिफिक्सर लगाएंगे और कितना एमएम का उसमें रड लगाएंगे, क्योंकि डिफरेंट साइज का केबल ट्रे में डिफरेंट साइज का रड और फिक्सर लगता है उसके लोड के हिसाब से। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से जानने वाले हैं और ये भी जानेंगे, अगर एक सपोर्ट लगा रहे हैं तो उसको दूसरा सपोर्ट देने के लिए कितना मीटर का बीच में गैप रहना चाहिए, ये भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 12 टाइप का केबल ट्रे के बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। और दोस्तों, आपको बता दूं, लास्ट में हम बताएंगे कौन कौन सा टूल्स आपको ये सब केबल ट्रे इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं तो आपको लगेगा, और सेफ्टी से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग जानेंगे लास्ट में। तो देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 टाइप का केबल ट्रे के बारे में हम लोग जानेंगे, ये सब केबल ट्रे का साइज रहेगा तो कितना एमएम का रड लगेगा, कितना एमएम का यूनिफिक्सर लगेगा और कितना एमएम का सी चैनल लगेगा, ठीक है दोस्त। तो ये वीडियो हम लोग आगे जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास 5x10 सेंटी और 10x10 सेंटी और 10x15 सेंटी का आपके पास अगर केबल ट्रे है, आप लगाने जा रहे हैं, तो उसमें आपको रड और फिक्सर और सी चैनल कितना सेंटी का लगेगा, कितना एमएम का लगेगा हम लोग जान लेते हैं। रड प्लस मेटल फिक्सर ये 8mm का लगेगा और सी चैनल हम लगाएंगे 2x4 का, ठीक है दोस्त। दोस्तों, आपको बता दूं हम कैसे सिलेक्शन करते हैं रड का और फिक्सर का। दोस्तों, लोड के हिसाब से हम सिलेक्शन करते हैं रड और फिक्सर और सी चैनल। जैसे जैसे केबल ट्रे का साइज बढ़ता है, लोड बढ़ता है, उसी तरह रड और फिक्सर का साइज हम लोग बढ़ाते हैं। दोस्तों, आगे हम लोग जान लेते हैं 10x20, 10x30 और 10x40 सेंटी का अगर केबल ट्रे आप इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं तो इसमें कितना एमएम का फिक्सर लगेगा, कितना एमएम का रड लगेगा और कितना एमएम का सी चैनल लगेगा, था इसमें भी हम लोग जान लेते हैं। ओके दोस्त, अगर आप रड और फिक्सर की बात करें तो 10mm का लगेगा इसमें और सी चैनल यहाँ पे 4x4 ही लगेगा। ओके दोस्त, दोस्तों हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो में बनाते रहता हूँ। दोस्तों, आगे हम लोग जान लेते हैं 10x60 सेंटी का केबल ट्रे, 10x80 सेंटी का केबल ट्रे आप इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं, तो इसमें कितना एमएम का रड और फिक्सर लगेगा और सी चैनल लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो से ये नॉलेज कर सकते हैं कि कोई भी केबल ट्रे आप लगाने जा रहे हैं, कोई भी साइज का केबल ट्रे लगाने जा रहे हैं, तो उसमें कौन सा एक्सेसरी कितने एमएम का लगेगा, जैसे कि फिक्सर हो गया, रड हो गया, और कौन सा टूल्स है आपको लास्ट में बताने वाले, कौन कौन सा टूल्स की जरूरत है और सेफ्टी क्या है इसमें, क्या जरूरत है सेफ्टी का और क्या रिक्वायर है सेफ्टी का, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लास्ट में, ठीक है दोस्त। इसमें मेटल फिक्सर और रड 12mm लगेगा और सी चैनल 4x4 लगेगा। ओके दोस्त, दोस्तों आगे हम लोग जान लेते हैं 10x90 सेंटी और 10x100 सेंटी का अगर केबल ट्रे आप लगाने जा रहे हैं तो इसमें रड फिक्सर और सी चैनल कितने एमएम का लगेगा। दोस्तों, आपको बता दूं, बिल्डिंग लाइन के आप काम कर रहे हैं तो 100mm इनफ है, यानी 100 सेंटीमीटर इनफ है आपको केबल ट्रे, इससे ज़्यादा ऊपर लगता नहीं है, ठीक है दोस्त। तो इसमें अगर रड और मेटल फिक्सर लगाने हैं तो 16mm का लगेगा और सी चैनल 4x4 लगेगा। ओके दोस्त, ये तो क्लियर हो गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि आगे हम लोग जानेंगे टूल्स के बारे में और सेफ्टी के बारे में, ठीक है दोस्त। अगर ये सब काम करने जा रहे हैं, केबल इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, तो क्या क्या सेफ्टी लगेगा हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप केबल ट्रे इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं तो फर्स्ट में आपको ये स्कैफोल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। ओके दोस्त, अगर स्कैफोल्डिंग असेंबल कर लिए तो उस पर ग्रीन टेग लगाएं तभी ऊपर जाएं, क्योंकि अगर ग्रीन टेग नहीं लगाया तो आप उस पर काम नहीं कर सकते। आप ग्रीन टेग लगवाएं और डेट तारीख और अपने सीनियर से और फोरमैन से और सेफ्टी से साइन जरूर कराएं। ओके दोस्त, अगर आपके स्कैफोल्डिंग पे रेड टेग लगा हो तो आप बिल्कुल ना चढ़ें, बिल्कुल टच ना करें उस पर, आप उस पर काम नहीं कर सकते। इस तरह का फॉर्म रहता है, ठीक है दोस्त, ये लगा रहता है उस पर टैग, इस पर डेट तारीख सब चीज़ लिखा रहता है। अगर रेड लगा हो तो डेंजर है, ठीक है दोस्त। अगर ग्रीन लगा है तो ये आप उस पर काम कर सकते हैं, उस पर बेसरते आज का डेट हो, जिस दिन काम करे उस दिन का डेट हो। ओके दोस्त, और ड्रिल मशीन चलाने के लिए आपको एक्सटेंशन कोड लगेगा और
आपको ड्रिल मशीन से चलाएंगे, ग्राइंडर भी चला सकते हैं और पावर लेकर आप आसानी से काम कर सकते हैं, इसलिए इसकी जरूरत है। और ड्रिल मशीन जरूरत पड़ेगी विथ बिट, बिट हर एक साइज का अलग अलग लगेगा, ठीक है दोस्त। और ग्राइंडर लगेगा केबल ट्रे को कटिंग करने के लिए, रड को कटिंग करने के लिए, उसके साथ डिस्क भी होना चाहिए, ओके दोस्त। और जनरल टूल्स लगेगा दोस्तों। अगर हमारे वीडियो से थोड़ा भी आपको नॉलेज मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।